हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं सुनील शर्मा, फिर से आप सभी को एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं फिलहाल अभी स्कूटी में हूँ और अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं निकला था कुछ काम से और बारिश है वो काफ़ी परेशान कर दी। मतलब दो दिन से तीन दिन से सिर्फ बारिश ही बारिश हो रही है और मैं अभी तो हल्की हल्की हो रही है, फिर भी मैं भीग गया पूरा। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर और जब मैं गया था तब बिट्टू सो रहा था और जैसे मैं घर आया तो बिट्टू भी उठ चुका है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और गाइस काफ़ी भीग गया था तो अभी मैंने टी शर्ट वगैरह सब चेंज कर ली। जब मैं गया था तब दूसरी टी शर्ट थी और आया तो चेंज कर ली मैंने टी शर्ट को और बिट्टू मेरे तब देख रहा है। बेटा बेटा उठ गया। तो आज स्पेशल वीडियो में, मतलब आज वीडियो में स्पेशल क्या है मैं बताता हूँ। आज हिमानी बना रही है छोले भटूरे, जो कि मैंने कल रात को मैंने बोला था कि हिमानी आज छोले भटूरे बनाना, तो कैसे बनाती है देखते हैं, है ना। बिट्टू भी खाएगा छोले भटूरे। बिट्टू खाएगा तो छोले भटूरे खाएगा ना? हाँ खाएगा खाएगा खाएगा। बिट्टू भी खाएगा छोले भटूरे, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। फिलहाल अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं तो बनते बनते एक डेढ़ घंटा लगेगा, तब तक हम बिट्टू के साथ थोड़ा खेलते हैं। तो गाइस हिमानी बना रही है छोले भटूरे, मैं आपको दिखाता हूँ कि हिमानी जो है छोले भटूरे कैसे बना रही है। वाह क्या बात है। खा के देखते हैं छोले कैसे बने। कल से ही मेरी इच्छा थी खाने की। स्वाद है काफी, है ना? स्वाद है, एकदम नरम है। Oh my God! Wow! 1 hour later. अभी हम है नदी में ब्रिज, एक जो यहाँ पर ब्रिज है क्योंकि बिट्टू का काफ़ी देर से रो रहा था और उसको घूमने का मन था, तो हम और हिमानी और बिट्टू और साथ में गोलू भी है। तो गोलू भी हमारे साथ, गोलू हाय बोलते हैं। और बिट्टू, हिमानी और गाइस काफ़ी दिन से बारिश हो रही है ना, तो इससे पानी जो है वो बढ़ गया है काफ़ी। तो पानी देखिए एक बार, और ये सारा पानी ये पहाड़ों में से आता है और व्यू क्या जबरदस्त व्यू है। तो गाइस एक तरफ ये पूरे पहाड़ और ये पानी सीधा जा रहा है यहाँ पे। व्यू बहुत अच्छा है ना यहाँ का। हाँ बोलो, व्यू कैसा है यहाँ का? अच्छा है ना? गोलू के पापा आएंगे तो गोलू इधर ही घुमाने ले आएगा ना? हाँ गोलू पापा आएंगे तो आएगा इधर, तो गोलू आएगा तो इधर इधर नहाएगा नहाएगा तू? हाँ नहाएगा और डुबकी मारेगा। डर नहीं लग रहा तेरे को? डर गोलू डर नहीं लगेगा? तो देख के डर लग रहा है। पानी का लेवल दिखाओ नीचे। पानी बहुत ज्यादा है भाई यहाँ पे, कंटिन्यू 3 दिन बारिश हो रही है। 3 दिन और 2 दिन बारिश होगी अभी, और 2 दिन बारिश। अभी मौसम आज ही है जो थोड़ा बहुत खुला है, रात को फिर मौसम ऐसे हो जाएगा। वहाँ का व्यू देखो, वहाँ का खतरनाक व्यू है भाई, खतरनाक व्यू है। गोलू बोल रहा है ऐसा लग रहा है ये ब्रिज ना आगे चल रहा है। हाँ गोलू बोल रहा है ऐसा लग रहा है ब्रिज ना आगे चल रहा है। ऐसे देखने से लगता है, ऐसे देखने से लगता है ना गोलू? हाँ, तो पानी नहीं हम लोग चल रहे हैं। आज हम गए थे जैसे कि बाजार और वापस आ चुके हैं घर, और हमने बाजार से बिट्टू के लिए लिया था ये बिस्किट, मानी ने लिया अपने लिए लेस, मैंने कुछ ले लिया झूठ है ये देखो।
हाँ गाइस, वो मैं भूल गया था, मैं लिया था यार। ये मूढ़ी है, हाँ मसाला मूढ़ी, जो मुझे मेरी काफ़ी फेवरेट है, मैं काफ़ी खाता हूँ, ये अच्छी है। और बिट्टू अपने फेवरेट खा रहा है बिस्किट, और हिमानी का फेवरेट क्या है? लेस, ग्रीन लेस। तो गाइस अभी बज रहे हैं 7, और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी चाय वाय पी थी, और अभी मतलब बैठ ही रहे थे, तो अभी मैंने मेरी नज़र एक चीज़ में गई, मतलब आज जो है भाई सिलीगुड़ी से कुछ भेजा है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये है कच्चा आम जो कि भाई ने भेजा है, मतलब अचार के लिए। तो अभी मैं, मम्मी, हिमानी सब मिल के, काफ़ी सारे हैं, ये सब काटेंगे और उसके बाद बनाना पड़ेगा इसका अचार, मीठा अचार। मतलब अभी तो धूप वगैरह निकल नहीं रही है, तो इसका खट्टा अचार तो बनेगा नहीं, तो मीठा अचार बनेगा। तो मीठा अचार बनाने के लिए ये सब अभी छील के रखा हुआ है, बस इसको भी कटिंग करना पड़े। तो ये जैसे कि कैरी काट रहे हैं, और यहाँ पे मम्मी भी आ चुकी है। हाथ में लग जाएगी। इधर आ, तो गाइज मैं तो हट गया, मैं नहीं काट सक रहा क्योंकि मेरे से काटा नहीं जा रहा, और अब काट रही हिमानी और मम्मी, देखते कौन सबसे ज़्यादा काटता है। जल्दी के चक्कर में पक्का मत फोड़ देना, कोई भी कोई पक्का मत फोड़ देना भाई, धीरे धीरे काटो आराम से, और हाथ मत कटवा देना। हाँ अरे बिट्टू, यहाँ पे मम्मी भी काट चुकी फटाफट, और हिमानी भी। अरे दोनों साथ में तो काट रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमसे तो कटा ही नहीं जा रहा। अरे वो देखो फोड़ फोड़ ही उसको। जो कह रही है वो सारी कटनी हो गई है, कुछ इतनी सी हुई है, बाकी दो तीन है वो तो पकी हुई है, वो तो कटी जाएगी नहीं। इसकी लॉन्जी बना लेना, सही है, मम्मी बना लेगी। ठीक है, तो गाइस इतना ही हमारा जो है आम का अचार, ये मीठा वाला, मम्मी मीठा वाला आम का अचार बनेगा ना, मीठा अचार बनेगा। अच्छा नहीं नहीं एक होता है खट्टा वाला होता है, एक तो ये होगा मीठा अचार। हाँ दो तीन दिन से गाइस, दो तीन दिन से बारिश, बिल्कुल मतलब बारिश हो रही है, तो नदी में दिखाया था चाकी कितना पानी और सुन एक गमला ले गया और चप्पू ले गया। तो गाइज अब इसमें नमक और हल्दी का लेप लग जाएगा, उसके बाद कल धूप निकलेगी तो कल सुखाया जाएगा, नहीं निकला तो कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि मीठा अचार के लिए ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्की धूप में भी हो जाएगा काम। और वो जो है वो लूंजी, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लौंजी, वो बनेगा। और ये अचार और अभी मानी डालने वाली है। अब ये मिक्स हो चुका है, अभी पीला पीला हल्का पीला पीला हो रहा है, ये एक दो दिन में सूख जाएगा, उसके बाद अचार डालना एक हो जाएगा।
तो गाइज अभी हो चुका है कंप्लीट, मतलब अभी चार में सब कुछ जल्दी होली सब लग गई है और अभी रात काफ़ी हो गई है, मतलब अभी 9:30 बज गए। हिमानी जाएगी अभी खाना बनाने के लिए और अभी थोड़ी देर बाद में हमारा खाना खाने का टाइम हो जाएगा। तो होप आपको वीडियो आज की काफ़ी पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना ना कमेंट हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आप लोग भी जानते हो कि हम आपको बताएं, मम्मी आपको बताएं अचार कैसे डालना है, तो आप कमेंट में बता दीजिए, हम उसकी एक वीडियो बना देंगे, बना देंगे, उसमें मम्मी बताइए अचार कैसे बनाना है। तो बस यहीं पर वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय बाय।